करोड़ों की लूट में आया जहानाबाद वासी का नाम। पटना के बाकरगंज में स्वर्ण व्यवसाय की दुकान में हुए 14 करोड़ रुपए की लूट में जहानाबाद के रहने वाले का हाथ सामने आया है। बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। इस मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है। दरअसल पटना के बाकरगंज में स्वर्ण व्यवसाय की दुकान में 14 करोड़ रुपए के आभूषण लूट लिए गए थे। इस दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, मामले की छानबीन की गई और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने करोड़ों रुपए के स्वर्ण आभूषण और नकदी के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों से अभी पुलिस पूछताछ में जुटी है। आरोपियों के अन्य भी मामलों के खुलासे होने की संभावना है। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी वारदात के दिन ही लोगों के हत्थे चढ़ गया था। पुलिस ने बताया कि इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 4,36,000 कैश भी बरामद किया गया। वहीं 6.5 किलो सोना भी बरामद किया गया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना के SSP ने बताया कि इस वारदात का षड्यंत्र SS ज्वेलर्स के मालिक के पहचान के ही व्यक्ति ने रची थी। वो भी जहानाबाद में एक ज्वेलरी शॉप चलाता है। उसने जहानाबाद में ही 2 व्यक्ति को लेकर इससे पहले SS ज्वेलर्स में रेकी की थी। घटना के 3 दिन पहले भी 2 व्यक्ति ज्वेलरी शॉप में आए थे और रेकी कर चले गए थे। इसके 3 दिन बाद घटना को अंजाम दिया गया। SSP ने यह भी जानकारी दी कि सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, सभी का आपराधिक इतिहास है। उन्होंने कहा कि इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 3 हथियार और चोरी की गाड़ी भी जब्त की गई है। लूट के इस मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने पटना समेत जहानाबाद के कई इलाकों में छापेमारी की। हालांकि जहानाबाद से इस मामले में कुछ भी जानकारी देने से पुलिस बचती रही। पुलिस ने पहले 13 करीबियों और परिजनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। लूटकांड के बाद स्वर्ण व्यवसायियों में रोष भी देखा गया। जहानाबाद समेत कई जगहों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। स्वर्ण व्यवसायियों ने दुकान बंद कर आपराधिक घटना में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी। इधर पुलिस टीम ने पटना के बाकरगंज से लेकर एग्जीबिशन रोड, गांधी मैदान, फ्रेजर रोड, पटना दानापुर रोड, ओल्ड बाईपास, कदम कुआं, न्यू बाईपास और अन्य इलाकों में लगे 108 से भी अधिक सरकारी और निजी दुकानों में लगे CCTV कैमरों के वीडियो फुटेज को खंगाला। जहानाबाद के निकेत की गिरफ्तारी के बाद इस मामले का उद्भेदन हुआ। पूरा लोगों ने अपना जो कन्फेशन किया है कि जब इन्होंने रेकी किया और उसी दुकान को इससे सेलेक्ट किया कि वो थोड़ा सा अंदर जाके थी और आम लोगों की नज़र से दूर रहती थी। दूसरा, इन लोग मालूम था कि होलसेलर की दुकान है, तो अगर 2 का हम लोग बोलेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को अंदर नहीं जाने थे। तो उसी में ही ये जो नितेश जो लाइनर है उसी का ही इन्होंने फिर सारी सूचना का उपयोग किया। ये फिर होलसेलर के नाम से अंदर गए कि हम लोगों को नया दुकान खोलना है और हम लोगों को खुदरा में हम लोगों को चाहिए थी, उसका एंट्री हुआ। और जब ये 2 अपराधकर्मी अंदर थे वहाँ से, फिर जब इनको ज़रूरत पड़ी कि 2 और की आवश्यकता है, तो इनका कोड मोबाइल लोगों ने ऑन करके रखा हुआ और वहीं फिर उन्होंने कोड दिया। पहले से इन लोगों का आपस में ये था सेटिंग थी कि हम लोग बोलेंगे कि पानी पिलाओ। उन्होंने जब पूछा अंदर पानी पिलाओ तो बाहर वालों दोनों को पता चल गया कि बंदर आने की बारी है। तब तक इन्होंने गेट को खोल के रखवाया हुआ था और वो तो अंदर घुसे। तकरीबन 10 मिनट ही अंदर रहे हैं जिसके क्रम में इन लोगों ने पूरा घटना को अंजाम दिया। इसमें जो जितना भी अभी तक रिकवर हुआ है, अभी जो इनके वादी हैं जो कि संजीव राय जी हैं स्पीकर से, उनको हम नोटिस देके पूरा स्टॉक वेरिफिकेशन करवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने FIR में लिखा था कि 35 KG सोना है और 14 लाख कैश है, तो पूरा हम लोग इन्वॉइस मांग रहे हैं। उनका जो पूरा स्टॉक रजिस्टर उसके हम लोग कॉपी मांग रहे हैं और जो पिछले 5 वर्ष का उनका IT रिटर्न्स और GST रिटर्न्स है वो मांग रहे हैं, ताकि उनके पूरे स्टॉक का हम लोग सत्यापन करा पाए और वो हमें इसमें कॉपरेट भी कर रहे हैं। और ये बाकरगंज वाली घटना है। इसमें हमारी तरफ से इसका संपूर्ण उद्भेदन हो चुका है। विदिन 48 आवर्स सभी के सभी अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। अब कोई और वांछित अभियुक्त नहीं है। लाइनर से साधु को मिला के 4 जो अंदर गए थे और नितेश इससे लाइनिंग दिया था, 5 अपराधकर्मी हैं टोटल। नितेश उस दिन घटना पर नहीं आया, वो जहानाबाद में है। जो 4 अपराधकर्मी हैं, 4 के 4 और नितेश जो लाइनिंग दिया है वो गिरफ्तार हो गया। नितेश से तरफ कोई 5 अपराधी यही 5 थे, यही 5 लाइनर प्लस 3 प्लस 4।